अभी धंधे वाला जो है ना, उसके दो विशेषता है, दो क्वालिटीज है, और जो हमने देखी अभी तक उसमें एक नंबर एक है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, है ना बाबा, आप ये मत करो, मतलब मिल जाएगा आपको सब, है ना। इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ करना है, यदि धंधा बढ़ाने का है, खुद का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना है, उसकी जवाबदारी किसकी है? खुद की जवाबदारी। आप सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस में आपका टीचिंग अच्छा होना चाहिए, जवाबदारी किसकी है? हेडमास्टर की। बोलते नहीं हमको इनको टीचर लोगों को सब सिखाओ, सब ये करो तो हमारी स्कूल अच्छी चलेगी, तो जवाबदारी उसकी है। धंधा किसका है? उसका है। या फिर वो तुम्हारी मैनेजमेंट होगी, धंधा उसका है, तुम तो नौकरी कर रहे, सर्विस कर रहे, तुम तुम्हारी क्या जवाबदारी है? धंधे वाला जो है वो खुद चालक, खुद मालक जो है, उसको खुद को ही डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जवाबदारी उसकी है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, खुद को जाना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा, सब खुद को करना पड़ेगा। तो आलस करके नहीं होता उसमें, करेंगे 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 ऐसा करके नहीं होता, है क्या? He does not expect economic returns from anybody unless he has added a value to him. किसी से भी आप पैसा वसूल नहीं कर सकते या ले नहीं सकते कोई भी कस्टमर से, जब तक आप कस्टमर को कुछ वैल्यूएबल देते नहीं, है ना, वैल्यूएबल देना, वैल्यू एड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू एड करना पड़ेगा तो धंधा चलेगा। इसका मतलब क्या है कि एक कपड़े का दुकान है, दूसरा है कपड़े का दुकान है, अब दो दुकान कपड़े के है तो एक दुकान कपड़े का अच्छा चल रहा है और दूसरा नहीं चल रहा है, माल तो सही का ही है, फिर क्या हो रहा है? कुछ तो भी वो अलग कर रहा है, कुछ तो भी वैल्यू एड कर रहा है कस्टमर को, इसलिए कस्टमर उसके पास में जा रहे है। एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है, उसका दवाखाना चलता नहीं है, और एक चार बार फेल हुआ डॉक्टर है, उसका दवाखाना अच्छा चलता है। इसका मतलब वो चार बार फेल हुआ है, उसको मालूम है धंधा कैसा करना, और वो कस्टमर को कुछ ना कुछ वैल्यू एड कर रहा है, कहीं ना कहीं बिगड़ दे तो है, तो हाल लक्षात ना किशोर भाऊ, कहीं तरी बिगड़ करू ना, तो तुम्हें जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आपका धंधा चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट आपकी खुद को आपने करना है, जवाबदारी आपकी है, आप किसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, और गिराई लोगों को जो है वो आपको सर्विस देनी पड़ेगी, वैल्यू एड करनी पड़ेगी, जब तक आप वैल्यू एड नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। और वैल्यू एड का मतलब ऐसा है कि टपरी में समझो, भी ये होटल में हम जहां अभी रुक रहे हैं, यहां समझो 25 रुपए कप की चाय होंगी, हो सकता है कि शायद बाहर टपरी जो है वो टपरी के ऊपर 15 रुपए की चाय होंगी या 12 रुपए की चाय होंगी, मगर 25 रुपए वाले भी पीते हैं, क्योंकि यहां जब आते हैं तो आपको बैठने के लिए बड़ा हॉल है, सोफा है, टेबल है, वो एकदम वेटर आता है टाय वाला और वो आपको पूछता है गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, वैल्यू एड कर रहा हूं। टपरी में उससे अच्छी शायद चाय मिलती होंगी, मगर आप यहाँ टीवी लगा हुआ है, टीवी पे क्रिकेट की मैच चल रही है, वो आप देख रहे हो और एक 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 घूट चाय पीते जा रहे हैं, तो उसने वैल्यू ऐड किया, कुछ तो भी अलग दिया करके, आप 12 रुपए की चाय बाहर मिलते हुए भी आप 25 रुपए की यहाँ आके पी लेते, आपको क्लियर हो गया, तो वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, तो योर जॉब एज एन एंटरप्रेन्योर, धंधे वाला आपको बनना है तो आपका जॉब क्या है? आपका जॉब यह है कि हेल्पिंग सक्सेसफुल क्लाइंट्स टू बी क्लियर एंड हाईली एक्साइटेड अबाउट देयर फ्यूचर। इसका मतलब आपके जो कस्टमर है उनको हेल्प करना और उनको उनका फ्यूचर बताने का कार्यक्रम करने का, फ्यूचर। भाई आप डॉक्टर हो, बाकी और डॉक्टर भाई बाजार में है, आपके तरफ जो कस्टमर आ रहा है, जो क्लाइंट, जो पेशेंट आ रहा है, दूसरे डॉक्टर के तरफ वही जा रहा है, मगर आप उसको, वो क्लाइंट को यदि उसका फ्यूचर बताते नहीं है, फ्यूचर में क्या पॉसिबल है, फ्यूचर में उसको मतलब कुछ एजुकेशन दे रहे, कुछ हायर एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन बता रहे, उसको आगे कैसा करना उसके बारे में और कुछ ज्ञान दे रहे, जब तक उसका फ्यूचर बनाते नहीं है तब तक वो आपके तरफ अट्रैक्ट होगा नहीं। पंतप्रधान जो है मोदी, नरेंद्र मोदी जी, उनके तरफ लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं? बताते फ्यूचर तुम्हारा ऐसा है, फ्यूचर में मैं ऐसा करूंगा, फ्यूचर में अपना देश ऐसा होगा, हम लोगों को ऐसा करेंगे, फ्यूचर सपनों का सौदागर, सपने बता रहे और सपने में लोगों को एनरोल कर रहे, तो लोग अट्रैक्ट होते कि नहीं अपना फ्यूचर अच्छा होने वाला है, राइट। एनेबलिंग दीज इंडिविजुअल्स टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस दैट आर क्रूशियल अबाउट देयर फ्यूचर
वेलबींग सक्सेस हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड, ये आपको सबको देना पड़ेगा कस्टमर को। क्या क्या देना पड़ेगा उनको? डिसीजन उनका वेलबींग है ना, उनका सब कुछ, उनका सक्सेस, उनका हैप्पीनेस, उनका पीस ऑफ माइंड, ये सब देना पड़ेगा। बोलेंगे कि ये कैसा क्या, आप सिर्फ माल बेच रहे तो आप ट्रेडर हो गए, ट्रेडिंग करके धंधा बढ़ता नहीं है। आप ट्रेडिंग कर रहे, अभी ये मैं चॉकलेट बेच रहा हूं तो चॉकलेट बेचने वाले काफी सारे लोग दुकान लगा के बैठे हुए मार्केट में, मगर यदि मैं चॉकलेट लेने मतलब बेचने वाला दुकानदार है उसके पास मैं जाता हूं और मैं मेरे लाइफ में फॉरवर्ड होता हूं, या किशोर बुटले जी के पास में गए ना, या बाबा डाकोरे के पास में गए ना, तो बुखार के लिए उन्होंने मेरे को दवा तो दिया ही, और दवा देते देते उन्होंने मेरी और कुछ पूछताछ किया, उसने मेरे बच्चे के बारे में पूछा, मेरे पत्नी के बारे में पूछा, बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रही थी तो उन्होंने वो बताया कि बच्चों को एडमिशन कैसे मिल सकती है, उसको कॉन्टेक्ट करो, फलान फलाना कॉन्टेक्ट करो। उन्होंने ये भी बताया कि वजन कैसा कम करना, मैं तो गया था बुखार के लिए, उन्होंने मेरे को ये बताया कि वजन कैसा कम करना, डाइट कौन सा लेना, ये बता दिया मेरे को। तो बाबा डाकोरे थोड़े ज्यादा पैसे लिए तो चलता है, क्योंकि वो मेरे फ्यूचर के बारे में बताते, सिर्फ बुखार नहीं ठीक कर रहे, मेरे बच्चे के एडमिशन के बारे में उन्होंने बता दिया कहां मिल सकती, मेरे को मकान बांधने का है उसके लिए लोन नहीं मिल रहा तो उन्होंने वो भी बोल दिया कि लोन कहां मिल सकता, किसको अप्रोच करो। तो मेरा बुखार तो ठीक ही हो गया, उसके बाद में दो चार बातें और उन्होंने बता दिया, तो मेरे को बुखार तो ठीक होता ही होता है जिसके लिए मैं गया, मगर लोन का प्रपोजल भी उन्होंने बता दिया कैसा करना, तो मैं आगे बुखार आया तो किसके पास में जाऊंगा, बुखार ठीक करता उसके पास में जाऊंगा कि बाबा डाकोर के पास में जाऊंगा, यानी इनके पास में गए तो अपन फॉरवर्ड होते। मैं वहां गया था बुखार के लिए, मगर उन्होंने बोला कि ट्राइग्लिसराइड मेरा बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल, तो उसके लिए कौन सा डाइट लेना वो उन्होंने बता दिया, और बता दिया तो मेरा ट्राइग्लिसराइड कम हो गया, तो मैं तो जाऊंगा उनके पास में, नहीं वो थोड़ी फी ज्यादा लेते हो थोड़ी सी बाकी डॉक्टरों से, मगर चलता है मेरे को, मेरा पैसा वसूल होता है, आपको ख्याल में आया। तो आपको उसको जो कस्टमर आपके पास में है उसके लिए आप और क्या कर सकते हो? आपके स्कूल में बच्चों ने क्यों आना चाहिए सुनील, है ना, बच्चे ने क्यों आना चाहिए स्कूल में? नहीं, स्कूल में आने के बाद में है ना अपना घर भी अच्छा हो जाए। हमारे यहाँ डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर बोलते ही नहीं, मैं आपके यहाँ प्रैक्टिस के लिए आता हूँ, मैं आपके यहाँ सर्विस करता हूँ। तो उनको अभी दोनों लड़कियां जो है, एक वो मास्टर इन फिजियोथेरेपी MPH बन गई, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी, और दूसरी लड़की जो है वो उसने कंप्यूटर में इंजीनियर किया। बोले मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, आपके डायलॉग हरदम सुनता हूँ, आपके यहाँ जो मेरे को मिलता है हर बार बातों बातों में काफी सारा कुछ ज्ञान, तो वो सब मैं यहाँ से उठाता हूँ घर पे लगाता हूँ, और मेरी लड़कियां एकदम अच्छी पढ़ी लिखी हो गई। तो मेरे को पैसा तो मिलता ही है, उसके अलावा मेरा घर भी सुधर गया है ना, मतलब उनको एडिशनल मिल रहा है, तो मेरे को छोड़ के जाएंगे, वो मेरे यहाँ पैसे के लिए तो काम नहीं कर रहे, बाकी और कुछ के लिए काम करो पैसे के अलावा। आपको समझ में आ रहा है कि आपके कस्टमर को और ज्यादा का क्या वैल्यू दे रहे? जो माल के लिए वो आया हुआ है वो माल तो दे ही रहे, वो वाजिबी कीमत में दे रहे, और उसके अलावा और क्या वैल्यू एड कर रहे, ये बहुत महत्व का है। तो जी उसकी एक स्लाइड बाद में आएंगी, उसको हम बोलते हैं शीख टाका। दूध वाला अपने आता है तो एक लीटर दूध देता है तो थोड़ा सा और शीख डालता है ज्यादा, उसके पैसे लेता नहीं हो, तो शीख डाल दिया तो अपने अच्छा लगता है, शीख डाल दिया भाई, एक लीटर तो दूध के पैसे अपने दिए और थोड़ा सा डाल लिया उसने, तो एडिशनल क्या देते आप, है ना, वो बहुत महत्व का है। नेक्स्ट, तो अभी क्या है कि देर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर। अभी कंफ्यूजन आपका ऐसा है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो कि आप एंटरप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योर मतलब धंधे वाला, और सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, नहीं सेल्फ, खुद ने खुद को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, हाँ, स्व व्यवसायी, खुद का व्यवसाय करने वाला, तो वो एक आदमी है स्व व्यवसाय करने वाला है, और दूसरा है धंधे वाला, इसमें क्या फर्क है? उसमें फर्क है डेफिनेटली, है ना, एंटरप्रेन्योर कौन है और सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है, इसमें फर्क है।
एक पान पट्टी वाला है, उसने पान पट्टी लगाए, पान टपरी, तो वो धंधे वाला है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है? क्यों? हाँ, वो खुद कर रहा है, उसने खुद को किया, डॉक्टर है, मैं डॉक्टर की कर रहा हूं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ कि धंधे वाला हूं? सेल्फ एम्प्लॉयड, धंधे वाले नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी जो है वो खुद काम कर रहा है ना, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मेरा धंधा नहीं है, क्योंकि मैं जब तक खुद काम कर रहा हूं इसका मतलब मैंने मेरे को एम्प्लॉयमेंट दी हुई, खुद ने खुद को अपॉइंट किया हुआ है। तो मैं केड़कर हॉस्पिटल में सर्विस कर रहा हूं, मेरे को तनख्वाह नहीं मिलती, सब खर्चे जाके जो बच गया वो मेरा, मगर मैं धंधे वाला नहीं हूं, धंधा नहीं है मेरा, मेरा व्यवसाय है, और व्यवसाय में आदमी खुद जब तक काम कर रहा है उसका मतलब वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का व्यवसाय खुद देख रहा है। और सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी बहुत बड़ा कमाना मतलब उसको संभव नहीं है, कमा नहीं सकता सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी, अनलेस वो लता मंगेशकर जैसी है कि एक ही गाना गाया तो कितने मिलते होंगे लता मंगेशकर को, है ना, पता नहीं कितने लाख मिलते होंगे। अभी वो भाव कौन सा है, बाहुबली 2, है ना, कितना कमा लिया उन्हें, सेल्फ एम्प्लॉयड खुद काम करते हैं, मगर इतना पैसा कमा लिया कि जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं, फिर इतना मिलने को होना। सचिन तेंदुलकर इतना कमा लिया कि बस अभी जरूरत नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। हाँ, सैराट। मगर यदि आपको काम करना पड़ रहा है और वो काफी दिन तक काम ही करते जा रहे हैं आप, तो इसका मतलब आप धंधे वाले नहीं हो। सचिन तेंदुलकर उसने पैसा बहुत कमा लिया होगा, मगर वो धंधे वाला नहीं है क्रिकेट में, है ना, उसकी कोई टीम नहीं कि जिसको खिला रहा हो। आईपीएल की टीम है या सचिन की, मेरे को मालूम है। ठीक है ना, तो ये आपको देखना है। तो यहां रुकते हैं, अभी मैं लेता हूं आपकी शेयरिंग, आपको क्या समझ में आया इसमें।